प्रिय व्यूअर्स, IASPT 2020 नजदीक है। इसे मद्देनजर रखते हुए दृष्टि IAS आपके सामने परीक्षा के लिहाज से सामान्य अध्ययन पर विशेष टू द पॉइंट लेकर आया है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के जरिए हम सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर सकें। इस सीरीज में हमने सामान्य अध्ययन के विषयों कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रमुख खंडों को शामिल करने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह पहल आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। इस सीरीज का तीसरा विषय है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के तहत पहला टॉपिक है प्रमुख नेशनल पार्क एवं वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले परिचय पर डालते हैं नजर। वनस्पति और जीवों की रक्षा के साथ साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को बड़ी मात्रा में संरक्षण प्राप्त है। इसमें मानव गतिविधियां मुख्यतः प्रतिबंधित रहती हैं। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, जानवरों की विशेष प्रजातियों की रक्षा के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में पशुचारण जैसी कुछ मानवीय गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है। आइए अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों को देखते हैं। सबसे पहले उत्तर या उत्तर पूर्व भारत की बात करते हैं, जिनमें पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह असम में स्थित है। इसे दो डिविजन्स में बांटने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पहला डिवीजन ईस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ और दूसरा विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ। ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों डिविजन्स को अलग करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क की। यह सिक्किम में स्थित है। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। माउंट कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जेमू ग्लेशियर सहित कई तालाब और अन्य ग्लेशियर इस पर्वत चोटी पर स्थित हैं। यह भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यानी फ्लोटिंग पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर अवस्थित है। झील के लगभग 70% हिस्से पर फैली घास का नाम फुमडी है। यह संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और उनके लोकेशन कुछ इस तरह हैं: नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, मानस नेशनल पार्क असम, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह कश्मीरी हांगुल के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब वन्य जीव अभयारण्यों की चर्चा करते हैं। नंधौर वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जिलों में इसका विस्तार है। बाघों की बढ़ती संख्या के चलते टाइगर रिजर्व दिए जाने की चर्चा भी चल रही है। तराई आर्क लैंडस्केप यानी TAL के तहत नंधौर क्षेत्र आता है। नंधौर क्षेत्र गोला और शारदा नदियों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र से नंधौर नदी गुजरती है। लीपा असरा वन्यजीव अभयारण्य, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यहाँ स्नो लेपर्ड देखा गया था। फाकिम वन्यजीव अभयारण्य, यह नागालैंड में स्थित है। इस अभयारण्य के फॉरेस्ट गार्ड अलेम्बा येमचुंगर को वर्ष 2019 में अर्थ डे नेटवर्क स्टार अवार्ड मिला था। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, यह त्रिपुरा में स्थित है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने ONGC को कृष्णा गैस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी। कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में प्राकृतिक गैस निकालने से संबंधित यह प्रोजेक्ट है। प्रजातियों की बात करें तो यहाँ गौर या इंडियन बाइसन, हुलॉक गिबन, कैप्ड लंगूर और गोल्डन लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। गुमती वन्यजीव अभयारण्य, यह त्रिपुरा के गुमती और धेलाई जिलों के बीच स्थित है। यह त्रिपुरा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहाँ हाथी, बाइसन, सांभर, बार्किंग हिरण,
जंगली बकरी इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं। त्रिपुरा के अन्य वन्य जीव अभयारण्य हैं सेपाही जला वन्य जीव अभयारण्य, रोवा वन्य जीव अभयारण्य। पक्के वन्य जीव अभयारण्य, इसे पखुई वन्य जीव अभयारण्य नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में यह स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा असम और अरुणाचल के बीच की राज्यीय सीमा से मिलती है। इस क्षेत्र का संरक्षित भाग पक्के और कामेंग नदियों के भूभाग के भीतर आता है। यहाँ बार्किंग हिरण, हॉग हिरण और हॉर्नबिल इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। मुकुर्थी नेशनल पार्क, यह तमिलनाडु में है। नीलगिरी ताहर की बढ़ोतरी यहाँ देखी गई। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीव सांभर, बार्किंग डियर, नीलगिरी मर्टन इत्यादि हैं। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, यह कर्नाटक में स्थित है। नेशनल पार्क के आसपास का क्षेत्र मानव हाथी संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। यह बच्चों के लिए बेंगलुरु के चंपक धाम पहाड़ियों की घाटी में जंगलों के बीच बना एक प्रसिद्ध जैविक मनोरंजन केंद्र है। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क भीषण आग लगने के कारण चर्चा में रहा। तमिलनाडु के मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और कर्नाटक के ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। गौर यानी बैल की एक प्रजाति, सांभर, चीतल, माउस हिरण, चार सींग वाले मृग, जंगली सुअर, सियार इत्यादि प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क, यह केरल में स्थित है। नीलगिरी ताहर और नील कुरिंजी फूल के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, यह केरल में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मन्नवन शोला, इदिवारा शोला और पुल्लार्डी शोला से बना हुआ है। यहाँ जंगली हाथी, बाघ, पैंथर, भारतीय बाइसन और नीलगिरी ताहर, फ्लाइंग गिलहरी, स्पॉटेड डियर, गौर इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अभयारण्यों की बात करें तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। तमिलनाडु के मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क के साथ मिलकर यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। यहाँ हाथी, गौर, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, जंगली सुअर, नीलगिरी लंगूर, मालाबार विशाल गिलहरी इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, यह केरल में स्थित है। अभयारण्य में परम्बिकुलम, थनकाडाऊ और पेरुवरिपल्लम नामक तीन मानव निर्मित जलाशय हैं। यहाँ तेंदुआ, हाथी, गौर, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगिरी लंगूर इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं। मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, यह तमिलनाडु के थेनी और मदुरै जिले में स्थित है। पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत की बात करें तो बन्नी ग्रासलैंड, यह गुजरात में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान है। पाकिस्तान में सिंध के साथ साथ इसकी भौगोलिक सीमा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से लगती है। बन्नी नेशनल पार्क 22 जातीय समुदायों के साथ साथ मालधारी चरवाहों का घर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों पर है। भारत में सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व यही है। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क वर्तमान में सफेद बाघ के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास है। नौरादेही अभयारण्य, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अभयारण्य के चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की बात कही गई है। भीतरकणिका नेशनल पार्क, यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव इकोसिस्टम में से एक है। यहाँ समुद्री कछुए, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, सांभर, डॉल्फिन, खारे पानी के मगरमच्छ इत्यादि प्रजातियां पाई जाती हैं।
ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और महानदी नदी के ऐश्वर्य यानी ज्वारनद मुख पर यह स्थित है। गहिरमाथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य, यह ओडिशा में स्थित है। ओलिव रिडले कछुओं के लिए यह खासा प्रसिद्ध है। चांडका दंपारा अभयारण्य, यह ओडिशा में स्थित है। बांस में उपजने वाली चावल की एक प्रजाति बैम्बू राइस का संचय शुरू होने की वजह से यह चर्चा में रहा। जल्दापारा नेशनल पार्क, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बाइसन, हिरण, तेंदुए और पक्षियां जैसे प्रसिद्ध ग्रेट बैबिल यहां की प्रजातियां हैं। अब भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स को देखते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम का है, जो देश का 49वां टाइगर रिजर्व है। कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, यह देश का 50वां टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है।